हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्रभात उपाध्याय ब्लॉग्स में। अभी टाइम हो रहा है शाम के 4:30 और अभी मैं निकलने वाला हूँ विश्वनाथ मंदिर। अपना प्लान कल ही से चल रहा था, कल भी मैं जाने वाला था लेकिन कल टाइम नहीं मिल पाया तो मैं विश्वनाथ मंदिर नहीं जा पाया कल। लेकिन तो चलिए आप लोग से मिलते हैं सीधा मोटो ब्लॉग। तो गाइस, रूम से तो हम निकल गए हैं विश्वनाथ मंदिर के लिए, तो चलते हैं क्योंकि अंधेरा होना धीरे धीरे स्टार्ट हो चुका है। गाइज, आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो क्वालिटी कैसी आ रही है GoPro 10 की, क्योंकि अब तो मेरे को पता चलेगा एडिटिंग के टाइम ही, और एंगल वगैरह कैसा है ये भी आप लोग कमेंट करके बता देना। वैसे तो मैंने अपने हिसाब से सेट किया हुआ है, मैंने पहले भी इसका वीडियो टेस्ट किया हुआ था तो मेरे को कुछ कुछ अंदाज़ा लग चुका है कि कितने फेस का एंगल है रखना है वीडियो का, कैमरे का। तो ठीक है, अब मेरे को तो पता चलेगा एडिटिंग के वक्त, आप लोग कमेंट करके बता देना कैसा वीडियो क्वालिटी आ रहा है। अभी हम पहुंच चुके हैं नरिया तिराहा, यहाँ से एक रास्ता राइट साइड जाता है, इससे भी हम जा सकते हैं अंदर जेसी कैंपस में, लेकिन इधर से हम चलेंगे नहीं, हम जाएंगे लंका साइड से जो मेन गेट है आगे से। तो चलते हैं लंका पहले करके फिर चलेंगे विश्वनाथ मंदिर। और एक तो भाई बनारस के ट्रैफिक से मैं परेशान हूँ एकदम, बिल्कुल इतनी गंदी ट्रैफिक भाई लग जाती है कभी कभी कि एकदम दिमाग ख़राब हो जाता है। देखो ये जहाँ तक हमें उम्मीद है कि ये चौराहे तक पूरा ट्रैफिक लगा हुआ होगा, और ये लोग इधर भी भाई ट्रैफिक भयंकर लगा हुआ है। हम पहुँच चुके हैं लंका चौराहा, यहाँ से हमें राइट साइड जाना होगा, राइट साइड में BHU का गेट, वहीं से हमें अंदर जाना पड़ेगा, उसे आगे से घुमा के जाना पड़ेगा पूरा। ये रहा BHU का मेन गेट, यहीं से हमें अंदर जाना है। तो भाई BHU कैंपस में तो हम आ चुके हैं, अरे अंकल जी साइड से, BHU कैंपस में हम आ गए हैं। अब चलते हैं विश्वनाथ मंदिर, दर्शन करते हैं फटाफट, अंधेरा तो लगभग हो ही रहा है, काफ़ी हद तक अंधेरा हो चुका है। तो भाई जी विश्वनाथ मंदिर पहुंच चुके हैं, चलते हैं फटाफट दर्शन करते हैं और थोड़ा बहुत घूम घूम के उसके बाद फिर निकलेंगे 80 घाट के लिए। ये रहा विश्वनाथ मंदिर का मेन गेट। ये रहा विश्वनाथ मंदिर, चलिए अंदर चलते हैं और दर्शन कर लेते हैं।
तो गाइस अभी यहाँ से चलते हैं, दर्शन वगैरह भी हो गया है, उसके बाद जो भी थोड़ा बहुत शूट करना था शूट भी हो ही गया है, आप लोग वीडियो में देख ही रहे होंगे बहुत ज़्यादा। तो मैंने बताया जैसा कि फ़ोटो वीडियो यहाँ पे अलाउ नहीं है, तो बहुत ज़्यादा शूट तो नहीं हो पाया, लेकिन जितना भी हो पाया है मैंने किया है। अब चलते हैं सीधा अस्सीघाट, थोड़ा सा उधर भी घूम लेते हैं, उसके बाद फिर चला जाएगा रूम पे, तो भी निकलते हैं फटाफट यहाँ से। तो बाइक अपनी बाहर खड़ी है, चलते हैं बाइक उठाते हैं, उसके बाद अस्सीघाट चलते हैं। तो गाइस मंदिर से बाहर आ चुके हैं और बाइक अपनी आगे खड़ी है उस साइड, चलते हैं बाइक उठाते हैं, देखते हैं किधर है। इतनी सारी बाइकें खड़ी हैं कि याद भी नहीं आ रहा है कहाँ खड़ा गया था। ओ रही आगे बाइक में भी थोड़ा सा इशू आ रहा है, बार बार बंद हो जा रही है, उसके बाद सेल्फ नहीं ले रही है बाइक। चलते हैं देखते हैं अभी क्या है, एक बारी में सेल्फ ले ले तब तो ठीक है, नहीं तो फिर वहीं किक से स्टार्ट करना पड़ेगा। ये भी चलना है फटाफट, अस्सी चलिए भाई, एक बार में सेल्फ तो ले लिया। तो गाइस यहाँ से निकल चुके हैं अस्सीघाट के लिए, चलते हैं। तो गाइस हम पहुँच चुके हैं लंका, यहाँ से राइट जाने पे ये रास्ता चला जाता है रामनगर बाईपास टंगरा मोड़, और लेफ़्ट साइड जाने पे ये रास्ता जाता है BRW और सीधा जाने पे कैंट चला जाता है, तो हमें अभी सीधा जाना है। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, पूरा आगे तक ट्रैफिक लगा हुआ है। चलो भाई कम से कम ट्रैफिक खुला तो। अभी हमें यहाँ से रोड को क्रॉस करना पड़ेगा, तो वो रास्ता जा रहा है अस्सीघाट का, फटाफट चलते हैं यार काफ़ी लेट हो रहा है। तो भाई अस्सीघाट तो हम आ गए, चलते हैं बाइक को साइड में लगाते हैं, जगह है यहीं पे बाइक को खड़ा करते हैं, उसके बाद अस्सीघाट तो पहुंच गए और काफ़ी अच्छा लग रहा है यहाँ पे। अभी तो काफ़ी भीड़ भाड़ है यहाँ पे, चलते हैं। तो गाइस टाइम से ही हम अस्सीघाट पे पहुंच गए थे, तो गाइस आरती वगैरह भी ख़त्म हो गया है, तो यहाँ से चलते हैं रूम पे। कमेंट करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा अभी तक का, और अभी मैं इस वीडियो को करता हूँ यहीं पे एंड, मिलते हैं किसी और एक नए वीडियो के साथ।